नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पर्थ स्कोचर्स वासे सिडनी सिक्सर के बीच में जो आज का बिग बैश लीग का मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, लास्ट जो मैच हुआ था बिग बैश लीग का एडिलेड स्ट्राइकर्स का, जिस मैच में 15 रन पे ऑल आउट किया था एडिलेड स्ट्राइकर्स ने, भाई उस मैच में आपका भाई सारी ग्रैंड लीग्स मार चुका है। अगर आपको मेरी बातों पे डाउट लगता है तो आप आओ मेरे टेलीग्राम पे। अभी तक के बिग बैश लीग के टोटल 5 मैच हुए हैं, जिसमें से आपके भाई ने 3 मैचों में अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप किया है। आप मेरे टेलीग्राम पे आओ अगर आपको मेरी बातों पे डाउट लगता है। तो रिजल्ट देखो, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे, बोलोगे अरे यार भाई हमें पता ही नहीं था। ठीक है, कल आपका भाई सारी ग्रैंड लीग जीता है, आप आना मेरे टेलीग्राम पे। चलो, ये तो लास्ट मैचों की बात हो गई, सीधे बात करते हैं आज के मैच के ऊपर। और हाँ भाइयों, कल एक बंदा 11,111 रुपये जीत गया मेरे गिव अवे क्वेश्चन का आंसर देके। तो आज की वीडियो में भी गिव अवे है। गिव अवे विन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे आगे पूछूंगा। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही दे देते हो तो आपको मिलेगा 11,111 रुपये। ठीक है, तो गिव अवे क्वेश्चन मैं आपसे आगे पूछूंगा। लास्ट मैचों की बात हो गई, गिव अवे की बात हो गई, सीधे बात करते हैं आज के मैच के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो भाइयों, पर्थ की पिच पे मैच खेला जाएगा पर्थ स्कोचर्स की टीम का। और भाइयों, इस पिच पे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पिच पे भाई फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी हेल्प मिलती है, और जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके जीतने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो भी टीम टॉस करेगी वो टॉस जीतेगी, मैच पहले बैटिंग ही करने वाली है और उसी के जीतने के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और बात की जाए बैटिंग विकेट है कि बॉलिंग विकेट है, तो भाई इस पिच पे बहुत दिनों से मैचेस तो हुए नहीं है, पर हाँ यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी हेल्प मिलती है। तो जितने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं ले लो आप इसमें, जो है बढ़िया आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी बल्लेबाजों को भी थोड़ा बहुत रहता है, यहाँ पे बहुत दिनों बाद मैच खेला जाएगा तो फ्रेश विकेट रहेगा, हो सकता है कि भाई बल्लेबाज भी अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दें। बाकी जब अभी तक के यहाँ पे जितने मैचेस मैंने खेले हैं हर मैच में भाई फास्ट बॉलर का ही मैच रहता है। ठीक है, यही पिच रिपोर्ट है। अब सीधे बात कर लेते हैं टीम की, तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे। वहीं से भाई मैं अपनी टीम भी बना लूँगा और गिव अवे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लूँगा। ओपन हो गया है ड्रीम इलेवन, टीम मैंने बना के रखी है। क्या टीम है मेरी मैं आपको समझा देता हूँ, किस किस प्लेयर को मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विकेट कीपर सेक्शन में 2 ही विकेट कीपर है, दोनों ही अपनी अपनी टीम से विकेट कीपिंग करने वाले हैं। और जोश फिलिप अपनी टीम से ओपनिंग करने वाला है, बाकी जोश इंग्लिश भी लास्ट सीजन ओपनिंग कर रहा था, हो सकता है कि इस मैच में ओपनिंग करता हुआ दिखाई दे आपको। बात कर लेते हैं कि मैं लेने वाला किसको, मैं लेने वाला हूँ वहीं ऐसे जोश फिलिपे को, बाकी आप जोश इंग्लिश को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग भी करने वाला है। अभी के लिए मैं यहाँ से जोश फिलिपे को ही ले रहा हूँ स्मॉल लीग में अपनी। अब आ जाता हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में मोइसिस हेनरिकेस है, क्रिस ग्रीन है, फाफ डुप्लेसिस है, के पीटरसन है, जेम्स विंस है, जे सिल्क है, एस्टन टर्नर है, और यहाँ से कैमरन बैनक्रॉफ्ट है, डेनियल ह्यूज्स है। शायद से डेनियल ह्यूज्स को लास्ट मैच में नहीं खेला था, हो सकता है कि इस मैच में खेलता हुआ आपको दिखाई दे। बाकी स्मिथ अभी नहीं खेलने वाला है, और बाकी नीचे से कोई ज़्यादा खास है नहीं है, नीचे से ज़्यादा कोई खेलने वाला है भी नहीं। अगर यहाँ से स्टीफन एशकिन एजी अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, एडम लाइट के भी खेलने के कम चांसेस है। चलो भाई, मैंने बता दिया आपको कौन खेलने वाला है कौन नहीं खेलने वाला। मैं बता देता हूँ आपको मैं लेने वाला किसको। सबसे पहले लूँगा भाई मैं यहाँ से क्रिस ग्रीन को। क्रिस ग्रीन भाई ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग सेक्शन में दिया हुआ है, 4 ओवर अपने गेंदबाजी करने वाला है, और प्लस भाई हो सकता है कि इस मैच में आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई दे, या फिर नहीं तो तीसरे चौथे पाँचवें नंबर तक के बैटिंग करने वाला है, ओपनिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है,
हेनरी गेज को लेने वाला हूँ मैं, ऑलराउंडर प्लेयर है ये भी। ये भी वैसे अभी बॉलिंग नहीं डाल रहा है, पर भाई ये कब 4 ओवर डाल देगा कुछ कंफर्म नहीं। ऑलराउंडर प्लेयर है ये, ठीक है। और बल्लेबाजी भी बहुत शानदार करता है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता है, बिल्कुल स्पॉन लीग में लेके चलो। बाकी भाइयों यहाँ से मैं फाफ डू प्लेसिस को लेने वाला हूँ, जबरदस्त बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। और भाई कोई सी ऐसी कोई सी लीग नहीं जहाँ पे फाफ डू प्लेसिस अपना बल्ला ना चलाए, हर जगह मारता है और बड़ा शानदार बल्लेबाज है, बिल्कुल स्मॉल लीग में तो आप लेके चलो। बाकी भाइयों मैं बता देता हूँ आपको, ग्रैंड लीग्स की पिक्स कुछ हैं इस मैच में जिनको आप ग्रैंड लीग्स में जरूर ट्राई करना। जोर्डन सिल्क को आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई करो, जेम्स विंस को आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, ग्रैंड लीग्स में बिल्कुल लेके चलो। के पीटरसन ओपनिंग करता है, अच्छा हार्ड हिटर बल्लेबाज है, कमी बॉलों में ज़्यादा रन मार देता है, इसको आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई करो। एस्टेन टर्नर और कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट, इसको इन दोनों को बिल्कुल आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो, हो सकता हो चाहो तो आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो इनको, ठीक है भाइयों। स्मॉल लीग में इन्हीं तीनों के साथ में जाऊंगा मैं। अब आ जाता हूं मैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे ऊपर सीनी बोट भाई, हर साल हर मैच में बंदा दो दो तीन तीन विकेट लेके ही जाता है, और जिस मैच में विकेट नहीं लेता उस मैच में रन मार देता है। तो भाइयों जबरदस्त बल्ले वो जबरदस्त ऑलराउंडर है ये, इसको मैं लेने वाला हूँ। बाकी भाइयों डेनियल किशन का बॉलिंग डालना कुछ कंफर्म नहीं रहता है, प्रॉपर बल्लेबाज की तरह खेला लास्ट मैच, और इस मैच में भी हाई चांस है कि बॉलिंग ना डाले, लेकिन भाई इसका कुछ कंफर्म नहीं, कभी कभी ये बॉलिंग डालने भी आ जाता है और विकेट ले जाता है। तो देख लेना डेनियल किशन को ग्रैंड लीग्स में, स्मॉल लीग में कोई नहीं लाएगा, आप भी मत लो, कोई मतलब नहीं है। बाकी भाइयों यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एस्टेन एगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, ऑलराउंडर प्लेयर है, रन भी मारता है, बॉलिंग भी डालता है, बॉलिंग से अपने पूरे 4 ओवर बॉलिंग करता है। देख लेना स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, ग्रैंड लीग्स में भी ले सकते हो, पर भाई मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। अब वो मैं क्यों ड्रॉप करने वाला हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बाकी यहाँ से आप हार्डी को भी ट्राई कर सकते हो, पर इसके खेलने के चांसेस थोड़े कम है, खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, रन भी मारता है और पूरे 4 ओवर गेंदबाजी भी डालता है, अगर खेलेगा तो बिल्कुल आप ट्राई करना। बाकी भाइयों यहाँ से मैं लूँगा हेडन केयर को, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करता है और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है, खैर लास्ट सीजन तो ओपनिंग भी कर रहा था, अभी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है, 6वें पे 7वें पे 5वें पे ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो और हाँ ये अपने पूरे 4 ओवर गेंदबाजी डालता है, विकेट टेकर बॉलर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, रन भी मारता है, लास्ट मैच इसका कुछ खास नहीं गया, लोग ड्रॉप कर रहे हैं, पर भाई इसको आप ले लो, ज़बरदस्त प्लेयर है ये, ठीक मैं लेने वाला हूँ। ऑलराउंडर में यहाँ से अभी दो ही ले रहा हूँ, अब मैं आता हूँ बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में भाई ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, उनको ही बिल्कुल आप बता देता हूँ कौन कौन से ज़्यादा ज़बरदस्त है। रिचार्डसन भाई ये बंदा बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है और हर मैच में दो दो तीन तीन चार चार विकेट लेता है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है ये, और ये रन भी बना लेता है, तो इससे आप बैटिंग की भी उम्मीद कर सकते हो। तो भाई रिचार्डसन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में, और सीवीसी भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, रिचार्डसन को मैं लेने वाला हूँ। एंड्रयू टाई, रिचार्डसन एंड्रयू टाई भाई इनका बिग बैश लीग में राज चलता है यार, हर मैच में ये दो दो तीन तीन विकेट चटकाते हैं, और एंड्रयू टाई भी क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे ज़्यादा गेंदबाजों का ही खेल चलता है, ज़्यादा गेंदबाजी ही बैटिंग भी कर लेते हैं और पूरे 4 ओवर तो डालते ही, तो एंड्रयू टाई को भी मैं लेने वाला हूँ। फास्ट बॉलर है दोनों, फास्ट रिचार्डसन तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और यहाँ से एंड्रयू टाई राइट आर्म फास्ट बॉलर है, ज़बरदस्त बॉलर है, दोनों विकेट टेकर है, स्मॉल लीग में बिल्कुल आप लेके चलो, ग्रैंड लीग में भी लेके चलो। नाथन लॉयल नहीं खेलने वाला है, स्कॉट ओ कैफे को आप ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और क्या है कि पर्थ स्कोचर की जो टीम है उसमें राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपको स्कॉट ओ कैफे विकेट चटका के दे दे, 2 से 3 भी चटका सकता है, ज़्यादा भी चटका सकता है, विकेट टेकर गेंदबाज ही, तो देख लेना ग्रैंड लीग्स में, स्मॉल लीग में भी देख सकते हो, पर मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं किसको ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ भाई यहाँ से बेन डेवरिश को, बेन डेवरिश लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और बैटिंग भी करता है, ऑलराउंडर प्लेयर ही है, बॉलिंग सेक्शन में दिया हुआ है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, विकेट टेकर गेंदबाज है, हर साल दो दो तीन तीन चार चार हर मैच में विकेट चटकाता है, लास्ट मैच सही नहीं गया है तो लोग ड्रॉप कर रहे हैं, पर भाई मैं लेने वाला हूँ, आप भी ले लेना, ज़बरदस्त गेंदबाज है और बैटिंग भी करता है।
क्रिस जॉर्डन का खेलना नहीं खेलना कन्फर्म नहीं, खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से ले लेना अगर खेलेगा तो। बाकी जैक्सन बेट का भी खेलना कन्फर्म नहीं, खेलता है तो सेकेंड इनिंग में जब इनकी टीम बॉलिंग करे तो बिल्कुल लेना, क्योंकि शुरू में ये तीन ओवर डालता है। बाकी भाइयों यहाँ से मैं लेने वाला हूँ बेन ड्रॉप को। बेन ड्रॉप लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है और विकेट टेकर गेंदबाज है, हर मैच में ये विकेट चटकाता है जबरदस्त भाई, बिल्कुल इसको तो आप लेके चलो। और पर्थ की पिच, फास्ट बॉलर की पिच, फास्ट बॉलर का टीम में होना तो ज़रूरी है, मैं लेने वाला हूँ। बाकी यहाँ से भाई टाइमल मिल्स और एल मोरिस के खेलने के थोड़े चांसेस कम है, खेलते हैं तो देख लेना, ट्राई कर लेना, खासकर टाइमल मिल्स को। बाकी भाइयों यहाँ से नवीन उलक तो ना वहाँ पे लंका प्रीमियर लीग में खेल रहा है, पीटर हॉट जोगलू लेग स्पिनर है और ये विकेट चटकाता है, इसको भी आप ग्रैंड लीग की टीमों में ज़रूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, अच्छा प्लेयर है, विकेट चटकाता है। बाकी भाइयों मैं बता देता हूँ आपको मैं किसको लेने वाला हूँ, मैं यहाँ से लूँगा भाई एम केली को। एम केली भाई विकेट टेकर गेंदबाज है और ये भी रन अच्छे बैटिंग कर लेता है, ये भी रन मार देता है और विकेट टेकर है भाई। और क्या आएगी भाई इस मैच में फेवरेट टीम रहेगी पर्थ स्कॉचर्स, तो मेरी टीम पर्थ स्कॉचर्स के फेवर में रहेगी, इसलिए मैं ज़्यादा बॉलर्स अपनी टीम में पर्थ स्कॉचर्स के ले रहा हूँ। टीम मेरी बन चुकी है, बाकी नीचे से और ज़्यादा कोई खास है नहीं है, आई नाविद है, लेग स्पिनर है, देख लेना ट्राई कर लेना, लास्ट मैच में दो विकेट ले गया था। टीम मेरी बन चुकी है, ये मेरी टीम है। बात कर लेते हैं अब सी वी सी की, तो भाइयों फिर से मैं अपना कैप्टन बनाने वाला हूँ सी नेबोट को, वॉइस कैप्टन अगर आप चाहो तो ऐसे सी ग्रीन को बना लो, पर सी ग्रीन का बॉलिंग डालना कंफर्म नहीं है। वॉइस कैप्टन आप चाहो तो हेडन केयर को बना दो, हेडन केयर बॉलिंग बैटिंग दोनों करने वाला है, पर भाई मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा, मैं बनाने वाला हूँ यहाँ से रिचार्डसन को। रिचार्डसन भाई हर मैच में विकेट चटका ही देता है और इसकी बैटिंग आती तो रन भी मार देता है, तो मेरी स्मॉल लीग टीम बन चुकी है ये, मेरी स्मॉल लीग टीम। फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टीम बन गई, सब कुछ हो गया, मैंने गिव अवे क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, चलो मैं गिव अवे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। आपको बताना है कि इस मैच में सी नेबोट कितने रन बनाने वाला है, कितने कैच पकड़ने वाला है और कितने विकेट चटकाने वाला है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही दे देते हो तो आपको मिलेगा 11,111 रुपये। क्वेश्चन आपने सुन लिया, सी नेबोट इस मैच में कितने रन बनाने वाला है, सी नेबोट इस मैच में कितने विकेट लेने वाला है, सी नेबोट इस मैच में कितने कैच पकड़ने वाला है और सी नेबोट इस मैच में टोटल कितने फैंटेसी पॉइंट्स लेने वाला है, यही मेरा क्वेश्चन है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देते हो तो आपको गिव अवे बिल्कुल दिया जाएगा। गिव अवे विनर्स का अनाउंसमेंट मैं टेलीग्राम पे कर देता हूँ, कल भी एक बंदा जीता था DRC शॉट पे, मैंने पूछा था, बंदे ने बताया, बंदे को उसका प्राइस मिल गया था, टेलीग्राम पे आप प्रूफ भी देख सकते हो जाके, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में भी गिव अवे है, क्वेश्चन भी पूछ लिया है, जो भी आपको लगता है सी नेबोट के बारे में बताओ। और दो टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, गिव अवे क्वेश्चन तो आप आंसर तो ज़रूर दोगे, ठीक है, कमेंट तो आप बिल्कुल ज़रूर करोगे, साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है। आंसर आपने दिया लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको गिव अवे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आंसर सही भी हो फिर भी नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लाइक सबसे पहले अभी कर ही लो आप। और आपको अपनी कमेंट गलती से भी एडिट नहीं करना है, अगर आपने अपनी कमेंट गलती से भी एडिट कर दी या फिर आपने कमेंट ही एडिट वाली कर दी तो आपको गिव अवे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि भाई बाद में सब लोग अपना एडिट कर लेते हैं कमेंट, तो इसलिए एडिट कमेंट वालों को नहीं देता मैं, ठीक है भाइयों। तो गिव अवे पूछ लिया, टीम भी दे दी, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और गिव अवे विनर्स का अनाउंसमेंट भी मैं टेलीग्राम पे ही करने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। और लास्ट मैच का रिजल्ट देखना टेलीग्राम पे आके, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।